सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल नो बॉल में आउट हुए थे। अक्षर पटेल ने काफी नाराजगी जताई है थर्ड अंपायर को लेके। सूर्य कुमार यादव ने दिया है बहुत ही बड़ा बयान। आखिर ऐसा क्या कह दिया ये दोनों दिग्गजों ने, इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसे क्रिकेट मजेदार खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबको बता दे, सीरीज का दूसरा मुकाबला कल खेला गया था 5 जनवरी को। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन बनाया। भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए 207 रन की जरूरत थी 120 बॉलों में। आप सबको बता दे, भारतीय ओपनर ने कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। ना ही चले ईशान किशन, ना ही सुमन गिल, ना ही राहुल त्रिपाठी, ना ही चले कप्तान हार्दिक पांड्या। इस पारी में हीरो बने अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव। अक्षर पटेल ने 31 बॉलों में 65 रन की पारी खेली, 6 छक्के 3 चौके लगा के अक्षर पटेल ने बहुत ही शानदार और दमदार पारी खेली। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल के बीच में काफी अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। सूर्य कुमार यादव ने 36 बॉलों में 51 रन की पारी खेली, 3 छक्के 3 चौके लगा के सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए और अक्षर पटेल का साथ नहीं दे पाया। शिवम भी और अक्षर पटेल के बीच में भी एक छोटी सी पार्टनरशिप हो गई थी। भारतीय टीम को जिता तो नहीं पाए, भारतीय टीम को काफी नजदीक ले गए। अफसोस, भारत ये मुकाबला हार गया है। पहला मुकाबला भारत ने जीता, दूसरा मुकाबला श्रीलंका ने जीता। दोनों टीमों ने एक एक मैच जीत के ये मुकाबला बराबर में आ गया है। कल खेला जाएगा फाइनल मुकाबला T20 सीरीज का। भारतीय टीम जीती की या श्रीलंकन टीम जीती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। ऐसे क्रिकेट मजेदार खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।